नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में एक अलजेब्रा से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मैं तो कहूंगा कि वीडियो को पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। देखो, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले इस क्वेश्चन में यूज होने वाले कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लें, थोड़ा सा उन बातों को जान लें जो जो इसमें कंसेप्ट यूज होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है कि इफ एक्स इक्वल टू 3 + 2√2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x2। यानी कि आपको एक्स चाहिए और 1/x चाहिए, है ना। तो जनरली बच्चा क्या सोचता है कि भाई x को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, फिर 1/x की वैल्यू पुट कर दूंगा। ये थोड़ा जो ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ये वाले अप्रोच थोड़ी क्या रहेगी, आपके लिए टफ रहेगी, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एक बात को समझना पड़ेगा कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 होगा तभी ये वाला मेथड लगने वाला है जो अब मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है, जरा ध्यान से देखो, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 3 का स्क्वायर 9 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 2√2 का, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2, 4 2 = 8, तो 9 - 8 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। स्क्वायर का डिफरेंस क्या है, 1 है। अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा 1/x वो जस्ट क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये आया कैसे, जरा मैं इसको भी समझा ही देता हूँ आपको, ठीक है। हमने क्या किया, 1/x करने के लिए हमने क्या किया, 1 का इस x का रेसिप्रोकल कर दिया 3 + 2√2, ठीक है। और मैंने इसका रैशनलाइज कर दिया, तो रैशनलाइज करने के लिए यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2√2/3 - 2√2, और ये हो जाएगा 3 - 2√2, और नीचे तो a + b a - b, तो a² - b² a² 9 - इसका² 8 1 आ गया, तो ये 3 - 2√3 = 1/x। तो जब कभी भी इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 होगा तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा ना, वो क्या होगा, जस्ट यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो भाई, x + 1/x, दोनों को ऐड करेंगे। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ध्यान से देखो, 3 + 2√2 + 3 - 2√2, है ना, ये और ये कैंसिल हो गया, तो 3 + 3 कितना आ गया, 6 आ गया, तो 1x + 1/x किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आ गया। और हमें निकालना है x² + 1/x². अब मैं एक जनरल फॉर्म में आपको समझा दूं कि जब कभी भी x + 1/x अगर किसी वैल्यू a के इक्वल है और आपको फाइंड आउट करना है, मैं ये बाकी पार्ट हटा देता हूं ताकि थोड़ा सा, ठीक है, आपको x² + 1/x² की वैल्यू पूछी जाए, तो हमने क्या कर देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, तो x + 1/x² = a², तो a² + b² + 2ab, 2 × x × 1/x = a², तो x से x कैंसिल हो गया, तो x² + 1/x² किसके इक्वल आ गया, a² - 2 के इक्वल आ गया। तो यानी कि जब कभी भी x + 1/x 6 के इक्वल है और आपसे x² + 1/x² की वैल्यू पूछी जाए, तो आपने क्या करना है, जैसे इस वैल्यू का स्क्वायर -2, यानी कि आंसर आ जाएगा 34, यानी कि x² + 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 34। उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात आपको समझ आ गई है, समझ आ गया। तो इस पूरे क्वेश्चन को अब हम एक और तरीके से करेंगे, बहुत स्पीड से करेंगे। एक क्वेश्चन मान लो मैं आपके लिए लिखूं, मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं x = जो है वो 4 + √15 है, और मैं आपसे x² + 1/x² की वैल्यू पूछूं, तो हमने सबसे पहले देखा इनके स्क्वायर का डिफरेंस, तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस 4 का स्क्वायर 16, उसका 15, 16 - 15 1, तो 1/x क्या हो जाएगा, 4 - √15, इन दोनों को ऐड कर देंगे भाई, x + 1/x, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल, 8, तो आपसे x² + 1/x² की वैल्यू पूछी जाए, तो हमने क्या कहा था, इस वैल्यू का स्क्वायर कर दो, माइनस कर दो 2, तो आंसर आ जाएगा 62। होप आपको ये वाली बात समझ आ गई है, ठीक है। और ये सारी चीजें हुई क्यों है, कैसे हुई है, ये भी मैंने आपको रीजन दे दिया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। कहता है इफ एक्स इक्वल टू √3 + √2 / √3 - √2 एंड वाई इक्वल टू √3 - √2 / √3 + √2, और आपसे पूछा गया है x² + y² की वैल्यू। अब जरा आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कि ये जो x है ना, ये जो x है और ये जो y है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है या नहीं है, हाँ है, बिल्कुल है। ये देखो, यहाँ ये न्यूमिनेटर में है तो ये यहाँ डिनोमिनेटर में है, ये यहाँ डिनोमिनेटर में है तो ये यहाँ क्या है, न्यूमिनेटर में है,
है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ x इक्वल टू 3/4 है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/x क्या हो जाएगा, 4/3, यानी कि जो न्यूमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में था वो किसमें चला गया, न्यूमिनेटर में, यानी कि ये कन्फर्म हो गया भैया ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल है। तो अगर क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि इस ये तो x ही है, यानी कि √3 + √2 / √3 - √2। मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं कि ये जो y है ना, y जो है वो 1/x है, y जो है वो 1/x है, यानी कि y की जगह मैं 1/x लिख सकता हूं, y की जगह क्या ले सकता हूं मैं 1/x, यानी कि अब मुझे जो वैल्यू निकालनी है ना वो निकालनी है x2 प्लस y की जगह क्या लिखा 1/x, 1/x2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब जरा x को सॉल्व कर देते हैं, तो हमने इसका रैशनलाइज कर दिया, √3 - √2 / √3 - √3। अच्छा ये माइनस था तो ये दोनों जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपने देखा कि a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर का डिफरेंस क्या आ गया 1, यहाँ a प्लस बी ए प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर x की वैल्यू, तो x इक्वल टू भैया ये तो क्या आ गया 1 आ गया, 1 आ गया, इसका फॉर्मूला खोल दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × √3 × √2, तो x इक्वल टू जो आ गया वो आ गया 3 + 2 = 5 + √6, तो x की वैल्यू आ गई 5 + √6। x को हमने क्या कर दिया, सिंपलीफाई कर दिया, उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात समझ आ गई है, इतनी बात समझ आ गई तो देखो अब आगे देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन। हमें x मिल गया अपना, हमें x क्या मिल गया अपना, हमें x मिल गया भाई 5 + √6, तो 1/x क्या होगा, तो आपने कहा सर 5, देखो स्क्वायर का डिफरेंस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6 4 × 6 = 24, तो कितना आ रहा है स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है, स्क्वायर का डिफरेंस क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो 5 - √6 होगा, है ना। तो अब मुझे निकालना है x2 + 1/x2, तो मैं x + 1/x निकाल दूं तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि ये और ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल, और अगर मैं आपसे x2 + 1/x2 की वैल्यू पूछ लूं तो 10 का स्क्वायर 100 - 2 = 98, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना है 98। उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात आपको समझ आ गई है कि y की जगह मैं 1/x लिख सकता हूं, क्योंकि y जो है दैट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ x, यानी कि y इक्वल टू क्या है 1/x, यानी कि x का जब मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो वो y ही तो आएगा, तो y की जगह मैंने जस्ट क्या रख दिया 1/x, और बाकी वही कांसेप्ट यूज किया जो अभी मैंने आपको समझाया। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है, समझ आ गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है। ये जो मैंने आपको मेथड बताया है इस क्वेश्चन को करने का तरीका, ये तब ज्यादा बेनिफिशियल है जब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, जैसे आप इसको सब्जेक्टिव भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है, समझ आ गया है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।